हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस वीडियो में आपसे चाइनीज़ रेवोल्यूशन और सिविल वॉर के बारे में बात करूंगा, यानी कि चीन में क्रांति और वहां का गृह युद्ध. शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेस जो कि SSC और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप studyiq.in विज़िट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर. तो शुरू करते हैं चाइना की इंपीरियल हिस्ट्री के साथ. चाइना में लगभग 2 से 3 हज़ार सालों से किसी ना किसी शाही वंश का शासन था. एक के बाद एक ये वंश आते गए और चाइना में एक ही डायनेस्टी का रूल रहता था. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 50 अलग अलग वंश राज कर रहे हैं. चाइना की लगभग 2000 साल की हिस्ट्री में ऐसा ही चला, तो एक जैसा रूल. इसी कड़ी में 17वीं शताब्दी में चिंग डायनेस्टी वहाँ पे सत्ता में आई. उन्होंने मिंग डायनेस्टी को हटाकर सत्ता पे काबिज़ किया अपने आप को, और ये आखिरी डायनेस्टी थी. जब 20वीं सदी की शुरुआत में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, तब इसी चिंग डायनेस्टी को वहाँ से हटा दिया गया. अब थोड़ा सा चाइना के ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे. तो ये है चाइना, और जो आपको कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली वो हिस्सा है जहाँ पे इन चाइना के इन वंश का शासन रहा था. यानी कि अगर कोई मिंग साम्राज्य था तो भी वो इस एरिया पे राज कर रहा था, चिंग था तो वो भी इस पे राज कर रहा था. तो ऐसा नहीं है कि चिंग डायनेस्टी सिर्फ इतने से एरिया पे राज करेगी और मिंग इतने से पे करेगी, जी नहीं. तो ये चाइना की हिस्ट्री थी. तो इसमें ज्योग्राफी में दो नदियाँ हैं जो मुख्यतः आपको पता होनी चाहिए. पहली है हुआंग ही या फिर येलो रिवर, जिसे कई बार सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब भी बाढ़ आती है तो हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं चाइना में. यहीं से चाइनीज़ सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, इसीलिए इसे कई बार क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं. दक्षिण में स्थित है यांगसी नदी, और यांगसी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है. और इसी के किनारे स्थित है ये शहर नैनकिंग. नैनकिंग से ही थोड़ा सा आगे इसी यांगसी नदी के मुहाने पे है शंघाई. उत्तर में है बीजिंग, यहाँ पे उत्तर में बीजिंग, और दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण शहर है ग्वांगजू. ग्वांगजू है ये, और ये हांगकांग भी इसी के पास है, और ग्वांगजू और हांगकांग दोनों पर्ल नदी के किनारे पे स्थित हैं, पर्ल रिवर डेल्टा में. तो आप देखेंगे कि ये चाइना में उत्तर में बीजिंग और दक्षिण में शंघाई, ग्वांगजू, नैनकिंग, ये इंपॉर्टेंट शहर हैं. चाइना की मुख्य आबादी इस लाइन के इधर रहती है, यानी कि इसके राइट साइड में. यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का इलाका है तिब्बत, जिंगजियांग, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है. अब हम शुरुआत करेंगे चाइना की 19वीं शताब्दी की हिस्ट्री से. तो 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो 20वीं शताब्दी का शुरुआती हिस्सा, इसे कहते हैं चाइना में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन. यानी कि इन 100 सालों के पीरियड में चाइना की बहुत बेइज्जती हुई, क्योंकि उसने कई लड़ाइयों में हार का मुंह देखा. चाइना एक बहुत बड़ा इंपीरियल पावर था. हज़ारों सालों से चाइना की आर्मी, चाइना की कल्चर और उसकी काफ़ी शान थी. चाइना की बहुत इंपॉर्टेंस थी, उसकी आर्मीज़ बहुत बड़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी चाइना में, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की. तो ऐसे में चाइना का छोटे छोटे लड़ाइयों में हारना बहुत ही शर्मनाक पूर्ण था, और वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो एम्परर्स थे, उनके लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात थी. तो देखिए, पहला था ओपियम वॉर्स, जिसमें वो हारे ब्रिटेन से. फिर सीनो फ्रेंच वॉर. सीनो का मतलब होता है चाइना. जहाँ पे भी सीनो आता है, साइनो या सीनो शब्द, इसका मतलब है वो चाइना डिनोट कर रहा है. तो सीनो जापानीज़ वॉर 1894 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा. ये है फर्स्ट सीनो जापानीज़ वॉर 1894, इसका साल भी आपको पता होना चाहिए. और फाइनली बॉक्सर रिवेलियन. तो इन सभी लड़ाइयों में चाइना की हार हुई. मुख्य कारण क्या था? चाइना की नेवी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी. मिंग डायनेस्टी के बाद चिंग डायनेस्टी ने नेवी पे इतना ध्यान नहीं दिया, और इसके कारण चाइना को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा. इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि कैसे ये चाइना है जो पीछे खड़ा बदहवास सा देख रहा है, और ये सारे इंपीरियल पावर्स, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया, ये हैं काइज़र विलहम, ये फ्रांस, और यहाँ पे ये हैं पीछे रशिया, ये सभी, ये है फ्रांस और ये है रशिया, और ये है एक जापानी समुराय. तो ये कैसे मिलके चाइना को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, ये चाइना का विभाजन कर रहे हैं. तो ये दर्शाता है कि कैसे इन सभी देशों ने धीरे धीरे चाइना में अपनी पकड़ मजबूत बना ली, व्यापार के बहाने. और व्यापार तो करते ही थे, लेकिन बहुत ह्यूमिलिएट करते थे चाइना को. तो चिंग डायनेस्टी का डिक्लाइन, उसका पतन शुरू होता है, क्योंकि उसका एक तो सेंट्रल पावर बहुत कमज़ोर था,
जो एम्परर है, राजा है, बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। आखिरी राजा जो है उसका नाम था पुई, और वो तो सिर्फ 6 साल का एक बच्चा था। तो 6 साल का बच्चा राज कैसे करेगा, उसके आसपास के लोग ही राज करते थे। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, चाइना ने मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, लोग एक नई क्रांति ला रहे थे, सेनाओं में नए हथियार अपनाए जा रहे थे, उस वक्त चाइना पुराने ढर्रे पे चल रहा था, वही तीर कमान से लड़ाई करने की कोशिश, और किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं। अगर थोड़ी बहुत कोई कोशिश भी करता था तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद हाई इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर, जो पश्चिमी देश थे, रशिया फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड, इन सभी ने चाइना के साथ व्यापार के बहाने अपना अपना कब्ज़ा जमा लिया था कई शहरों पे, और जो इनकी मांगें होती थी वो चाइना के राजा को माननी पड़ती थी बिना किसी शर्त के। अगर राजा मना कर देता था तो ये अपनी नेवी लेकर आ जाते थे और फिर से चाइना हार जाता था। तो ये बार बार होता रहा और इसीलिए चाइना को बहुत ह्यूमिलिएशन देखनी पड़ी। राइजिंग जापान, 19वीं शताब्दी में जापान अचानक से बहुत पावरफुल हो गया। वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ और एक मेजी रेस्टोरेशन शुरू हुआ। तो इसके बारे में बस आप ये नाम याद रख लीजिए अभी, मेजी रेस्टोरेशन। तो इसके कारण जापान बहुत ताकतवर हो गया। उसने बेसिकली मॉडर्नाइजेशन अपनाया, व्यापार, अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए दूसरे देशों से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे लेकर आए, और इसी के कारण उसकी आर्मी भी बहुत पावरफुल हो गई, और 1894 में उसने चाइना पे अटैक कर दिया। तो हिस्टोरिकली चाइना बहुत पावरफुल था और जापान इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। जापान की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चाइना पे हमला कर दे, लेकिन 1894 में चाइना को उसने बुरी तरह से हरा दिया। एक कारण बहुत बड़ा चिंग डायनेस्टी के पतन का ये भी था कि उनका जो शासन था, शासन व्यवस्था थी, वो बहुत ही पुराने ढर्रे पे चल रही थी। वही एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, सामंत जैसे लोग हैं, वो पुराने तरीके से रूल कर रहे थे, कर वसूल रहे थे। तो ये सभी फैक्टर्स चाइना को आगे बढ़ने से रोक रहे थे और चिंग वंश को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे थे। 1911 में फाइनली एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। देखिए, छोटे मोटे रेवोल्यूशंस पहले भी कोशिश हुई कि चिंग डायनेस्टी को हटा दिया जाए 1900 और 1911 के बीच में, लेकिन वो छोटे छोटे रेवोल्यूशन थे, उन्हें लगभग हमेशा दबा दिया गया। 1911 की जो एक क्रांति है ये सक्सेसफुल हुई, इसने डायनेस्टिक रूल को हमेशा के लिए हटा दिया। 2000 सालों से जो अलग अलग वंश चीन पे राज कर रहे थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इसे करने वाले कौन थे, दो लोग थे। पहले थे एंटी मोनार्किस्ट, जो लोग नहीं चाहते थे कि राजा सत्ता में रहे, और दूसरा रिफॉर्मिस्ट, जो मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते थे, ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर बाहर से आए थे, जैसे कि डॉक्टर सन यात सेन, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन थे वो। तो इन्हीं लोगों ने इस जिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी, एक रिपब्लिक देश, और इसमें एक डेमोक्रेटिक नेशनल असेंबली हुई जिसमें वोटिंग अधिकार भी दिए गए लोगों को, चुनाव हुए 1912 में, और एक असेंबली, नेशनल असेंबली में मेंबर्स चुने गए, और 6 साल का जो शासक था एम्परर पुई, उसे हटा दिया गया। एबडिकेट का मतलब होता है कि पद से हट जाना। तो इस जिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्थिति उभर कर आई। पहली चीज़, उत्तर में इस रेवोल्यूशन के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई, युआन शिकाई के पास। युआन शिकाई एक जनरल थे, आर्मी के बहुत सीनियर जनरल थे। उधर दक्षिण में यानी कि नानकिंग में सत्ता पे कौन आया, डॉक्टर सन यात सेन, और यहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने बना दी। तो ये हैं युआन शिकाई और ये हैं डॉक्टर सन यात सेन। ये एक मेडिकल डॉक्टर थे जो कि USA में पढ़े लिखे थे, और इन्होंने जापान में रहते हुए सीक्रेटली कई सारे रेवोल्यूशंस करवाने की कोशिश करी, और फाइनली इन्हें 1911 में सफलता मिली। ये चाहते थे कि चाइना मॉडर्न हो, एक रिपब्लिक की तरह, डेमोक्रेसी की तरह काम करे, और ये थे युआन शिकाई जो कि एक जनरल थे। इनका बस एक ही मकसद था कि सत्ता मेरे पास आ जाए, मैं सत्ता पे काबिज़ हो जाऊँ। तो युआन शिकाई जो कि जनरल थे और पूरी आर्मी उनके कंट्रोल में थी, इन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि चाइना यूनिफाइड रहे, एक रहे, तो आप मुझे प्रेसिडेंट बना दीजिए, सत्ता और पावर मुझे दीजिए। तो डॉक्टर सन यात सेन ने ये सत्ता उन्हें दे दी, उन्हें सौंप दी, प्रेसिडेंसी छोड़ दी, ताकि चाइना यूनाइट हो सके, सरकार मजबूत हो, क्योंकि उन्हें पता था कि आर्मी किसके कंट्रोल में है, युआन शिकाई के पास। तो अगर मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ लेकिन आर्मी उनके पास है, तो देश कमज़ोर हो जाएगा अंदर ही अंदर से, और ये जो रेवोल्यूशन है ये फेल हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर सन यात सेन ने प्रेसिडेंसी छोड़ दी, और उन्होंने स्थापना करी एक पार्टी की जिसका नाम था कुओमिनतांग, या फिर गुओमिनतांग ऑफ चाइना। इसे अब मैं आगे KMT कहूँगा, या फिर नेशनलिस्ट्स कहूँगा। ये उनका सिंबल ब्लू कलर के बैकग्राउंड में एक सूरज है। तो इस नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ मुख्य प्रिंसिपल्स क्या थे,
ये सन यात-सेन के दिए हुए तीन प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल था नेशनलिज्म, यानी कि चाइना एक है और हमें नेशनलिज्म दिखाना चाहिए, हमारी सत्ता हमारे पास ही रहनी चाहिए, लोगों चाइना के लोगों के पास, अब बाहर के इंपीरियलिस्ट देशों का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राइट्स ऑफ पीपल यानी कि डेमोक्रेसी, अब लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा ना कि राजा के द्वारा। और फाइनली पीपल्स लाइवलीहुड या फिर सोशलिज्म, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आदर्श विचार हैं उनके, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ये तीनों उनके मेन प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने कहा था कि सरकार इन तीन प्रिंसिपल्स पे स्थापित होनी चाहिए और इन्हीं पे आगे चलनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सन यात सेन, कुओमिंतांग पार्टी के स्थापक। ये जो कुओमिंतांग पार्टी है, इसने उस 1912 के चुनाव में लगभग सारी सीटों पे कब्जा कर लिया था और वो काफ़ी पावर में थे, लेकिन युआन शिकाई, मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रखना चाहते थे और धीरे धीरे वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर बन गए, यानी कि पूरा पावर अपने पास उन्होंने रखना शुरू किया। 1915 में उन्होंने अपने आप को एक एम्परर घोषित कर दिया, यानी कि राजा। तो देखिए, क्रांति तो हम इसीलिए लाए कि कोई राजा नहीं होगा, लेकिन अब चार साल बाद ये जो प्रेसिडेंट है, इसी ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, तो इसके खिलाफ कुओमिंतांग के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने फिर से एक रेवोल्यूशन की कोशिश करी। और इसीलिए युआन शिकाई ने KMT के सभी मेंबर्स को नेशनल असेंबली और सरकार से बर्खास्त कर दिया और उन्हें सबको वहाँ से चाइना छोड़कर भागना पड़ा। डॉक्टर सन यात सेन भी जाकर जापान में छुप गए और कुछ साल वहीं रहे। लेकिन 1916 में युआन शिकाई की मौत हो गई और युआन शिकाई के मरते ही चाइना में अजीब सी स्थिति पैदा होती है, क्योंकि अब कोई सरकार नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो चाइना बिखर सा गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, अलग अलग एरिया में जो बाहुबली किस्म के लोग थे, वॉर लॉर्ड्स, उन्होंने वहाँ पे अपनी अपनी सरकारें चलानी शुरू कर दी। तो इसे चाइना में कहा जाता है वॉर लॉर्ड ईरा। 1916 से 1928 तक ये चला और कुछ हद तक ये वॉर लॉर्ड्स 1940 तक भी रहे थे। तो आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग एरियाज़ जो हैं वो फ्रेगमेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे किसी एक का राज है, यहाँ कोई दूसरा है, यहाँ तीसरा है। तो चाइना अब एक संगठित देश नहीं रहा था, ना कोई साम्राज्य है, ना कोई रिपब्लिक है, ये एक तरह से बिखरा हुआ देश बन चुका है और कई सालों तक ऐसी ही स्थिति रहती है। तो ऐसे हालात में डॉक्टर सन यात सेन फिर से लौट कर आते हैं चाइना में। ये लगभग 1917 में लौट कर आए और चार साल की मेहनत के बाद 1921 में जाकर उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी फिर से गुआंगजू में। गुआंगजू कहाँ है? गुआंगजू है यहाँ हांगकांग के पास में, दक्षिण चाइना, इसे कैंटोन भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ दक्षिण में उन्होंने अपनी एक सरकार स्थापित करी, लेकिन ये जो उत्तर का इलाका है, यहाँ पे अभी भी कौन है? ये सब वॉर लॉर्ड्स यहाँ पे थे। तो डॉक्टर सन यात सेन को ये समझ में आया कि अगर मुझे चाइना को फिर से एक करना है तो मिलिट्री के द्वारा ही किया जा सकता है, बिना आर्मी के मैं चाइना को एक नहीं कर सकता। तो इन्होंने सोवियत यूनियन, जो कि उसी वक्त स्थापित हुआ था, वहाँ पे भी एक क्रांति हुई थी और एक सिविल वॉर हुआ था, आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरा सोवियत यूनियन का वीडियो देख सकते हैं, रशियन रेवोल्यूशन का। तो वहाँ पे जो सोवियत यूनियन स्थापित हुआ उसकी उन्होंने मदद ली और सोवियत यूनियन की मदद से उन्होंने एक मिलिट्री एकेडमी स्थापित करी और उससे अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बढ़ाई। दूसरी ओर उन्होंने एक और काम किया, वो था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसके मेंबर काफ़ी बढ़ रहे थे और क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी थी तो सोवियत यूनियन इनसे काफ़ी कनेक्टेड था, तो इन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने हमें सोवियत यूनियन की मदद मिल जाएगी। तो इन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को भी अपने KMT का हिस्सा बना लिया। तो कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो CPC का भी हिस्सा थे और KMT का भी हिस्सा थे। तो इसमें जो लेफ़्ट और राइट विंग बन गई KMT में बाद में, तो जो लेफ़्ट विंग के मेंबर थे वो सभी कम्युनिस्ट थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर सन यात सेन 1925 में कैंसर से मर गए और इनके जो रिफॉर्म्स हैं, इनकी जो विज़न है वो आगे बढ़ाने के लिए, अब अगला कौन होगा? वो था चियांग काई शेक। तो जनरलिज़िमो चियांग काई शेक कौन थे? ये चियांग काई शेक जो हैं, ये एक जनरल थे इनकी आर्मी में, डॉक्टर सन यात सेन की आर्मी में। तो चियांग काई शेक जो कि आर्मी जनरल थे, उन्होंने 1926 में नॉर्दर्न एक्सपेडिशन की शुरुआत करी। नॉर्दर्न एक्सपेडिशन में क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री को इकट्ठा किया और डॉक्टर सन यात सेन का सपना पूरा करने के लिए उत्तर की ओर कूच कर दिया। और इस मिलिट्री कैंपेन में उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई, उन्होंने लगभग सभी वॉर लॉर्ड्स को हरा दिया, उनकी आर्मीज़ को हरा दिया और पूरे उत्तर को यूनिफाई कर दिया। तो पूरा उत्तरी चाइना अब उनके कब्ज़े में था, बीजिंग तक का इलाका अब KMT कंट्रोल करती थी, जो KMT की सरकार है, कुओमिंतांग की सरकार, जो कि गुआंगजू से काम कर रही है। तो इस सफल कैंपेन के कारण KMT में वो काफ़ी ऊपर उभर कर आए और इनकी प्रोमिनेंस और स्टैचर बहुत बढ़ गया।
तो ये है डॉक्टर ये है जियांग काई शेक घोड़े पे सवार नॉर्दर्न एक्सपेडिशन में। ये बहुत ही फेमस फोटो है क्योंकि ये उस वक्त टाइम मैगजीन में छपी थी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ कैंटोन से गुआंगजू से अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके गए और लगभग पूरे उत्तरी चाइना को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके बाद शुरू होता है चाइना का सिविल वॉर। तो इस गृह युद्ध का कारण क्या था, गृह युद्ध किसके बीच में था? तो सबसे पहले गृह युद्ध था केएमटी या फिर नेशनलिस्ट्स और कम्युनिस्टों के बीच में। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी और इनकी आर्मी का नाम था रेड आर्मी और नेशनलिस्ट आर्मी का नाम था नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी। तो इन दोनों के बीच में ये सिविल वॉर छिड़ा था और इसका कारण ये था कि देखिए आइडियोलॉजी मेन कारण था। आइडियोलॉजी, इनकी सोच अलग थी, विचारधारा पूर्णतः से अलग थी। कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि चाइना एक पूरी तरह से सोशलिस्ट देश बने, यहाँ पे एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आए और जहाँ जहाँ पे वो डोमिनेंट थी जिन जिन शहरों में जैसे शंघाई वुहान वहाँ पे उसने कोशिश भी करी कि एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ जाए। तो अब देखिए हालांकि डॉक्टर सन यात-सेन भी सोवियत यूनियन से मिले हुए थे, उसकी मदद ले रहे थे और काफ़ी सोशलिस्ट विचारों वाले थे, लेकिन कुछ उनकी सोच में और कम्युनिस्ट की सोच में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था, तो डेमोक्रेसी कम्युनिज़्म में प्योर डेमोक्रेसी नहीं होती है। दूसरी ओर जब जियांग काई शेक नेता बने, जब जियांग काई शेक उभर कर केएमटी के लीडर बने, तो वो कम्युनिज़्म के बिल्कुल खिलाफ़ थे। उन्हें कम्युनिज़्म बिल्कुल पसंद नहीं था, उनके अनुसार ये तो एक बीमारी है जिसे देश से जितनी जल्दी हो सके भगा देना चाहिए। तो जैसे ही जियांग काई शेक अपने नॉर्दर्न एक्सपेडिशन में सफल होकर आते हैं, उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केएमटी से सभी सीपीसी मेंबर्स को पर्ज कर दिया गया, हटा दिया गया। पर्ज का मतलब वैसे होता है कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दें, अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दें। तो केएमटी में जितने भी कम्युनिस्ट मेंबर थे, जितने भी लेफ्ट लीनिंग मेंबर थे, जो थोड़ी सी भी वामपंथी सोच रखते थे, उन सभी को जियांग काई शेक ने या तो मरवा दिया या फिर पार्टी से निकाल दिया या फिर भगा दिया। तो इसी तरह से चाइनीज़ सिविल वॉर की शुरुआत होती है। तो इसका पहला फेज़ चला है 1927 से 1937 तक, ठीक है, 10 साल। इस पहले सबसे पहले क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी तक शहरों में बहुत प्रोमिनेंट थी, उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। तो जब उन्हें अपने शहरों से भगाया गया तो उन्होंने जाके रूरल एरियाज़ में अपने आप को स्थापित कर लिया। अब रूरल एरिया देखिए, उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं था, रोड्स इतनी नहीं थी डेवलप्ड, तो रूरल एरिया में जाकर आर्मी कैंपेन से एक एक गांव में जाकर कम्युनिस्टों को हटाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया, छुप छुप के हमला करते थे। और दूसरी तरफ जो केएमटी की नेशनलिस्ट आर्मी थी वो पूरी संख्या में आती थी उन्हें हटाने के लिए, तो एक एक करके वो एक्सपेडिशन लॉन्च करते गए। तो जियांग काई शेक ने कई बार उनको पूरी तरह से हटाने की कोशिश करी गाँव से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। 1934 आते आते उनका पांचवा अभियान था। देखिए चार अभियान तो आधे अधूरे ही सक्सेसफुल रहे, पांचवे अभियान में उन्होंने कम्युनिस्टों को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन किस्मत से ये जो कम्युनिस्ट हैं इस घेराव के बीच में से निकलते हुए बच निकले और अगले एक साल तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने करी उत्तर में यनान जाने के लिए। और इसे कहते हैं लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है चाइना के इतिहास में। ऐसा कहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के कारण ही चाइना का रेवोल्यूशन हुआ और अगर यहाँ पे ये बच नहीं निकलते तो हो सकता है वहीं पे हार जाते। लेकिन ये माओ ज़ेडोंग और दूसरे नेताओं की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने वहाँ से उन्हें यनान ले गए पहाड़ों में। और ये बहुत ही कठिन जर्नी थी, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग ही पैदल जा रहे हैं, लोगों के साथ साथ हथियार हैं, आर्टिलरी गन्स हैं और जो उनकी पूरी सरकारी मशीनरी थी। देखिए गांव में कम्युनिस्टों ने अपनी एक सरकार स्थापित कर दी थी इन 3-4 सालों में जब से सिविल वॉर चल रहा था। तो इन रूरल एरियाज से इन्होंने अपने साजों सामान आदमी सब कुछ पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया और ये सब पैदल किया इन्होंने। तो इसीलिए ये ग्रेट मार्च, लॉन्ग मार्च की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो आपको रेड कलर में इलाके दिख रहे हैं ये कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, यहाँ पे कम्युनिस्ट जो हैं वो मजबूती से थे गांव में। और यहाँ पे चियांग काई शेक ने उन पे हमला किया, तब वो इस रास्ते से होते हुए पहाड़ों से नदियों से तिब्बत होते हुए यहाँ से फाइनली उत्तरी चीन में यनान पहुँच गए और यहाँ पे अपना बेस उन्होंने स्थापित कर लिया अगले 10 सालों के लिए। तो ये थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुख्य लीडर्स, ये हैं एक जवान माओ ज़ेडोंग।
तो माओ जेदोंग अभी तक क्या थे, एक मिलिट्री ऑफिसर थे, ज़्यादा ऊंचा पद नहीं था, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के समय में माओ जेदोंग ने अपना नेतृत्व दिखाया और इन्हीं के कुशल नेतृत्व के कारण इतने सारे लोग जिंदा बच पाए। देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये मज़े से चल के जा रहे हैं पहाड़ों में, इनके पीछे पीछे कुओमिनतांग की आर्मी भी लगी हुई थी और उस आर्मी से बचते हुए इतनी ठंड, इतने पहाड़ों के ऊंचे बर्फीले पासिस से पार करते हुए इन्होंने अपने लोगों को सही सलामत पहुंचाया। तो इसीलिए माओ जेदोंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता की तरह उभर कर आए और 1935 के बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बन गए, नंबर वन लीडर बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के। और दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर थे जू एन लाई, जो आगे चलकर ये भी चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे। तीसरे थे डेंग जियाओपिंग ने 1970 के दशक में चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो लाने वाले थे डेंग जियाओपिंग। तो अब 10 साल हो चुके हैं सिविल वॉर को चलते हुए और कम्युनिस्ट पार्टी छुप छुप के बैठी है पहाड़ों में। तो अब क्या होता है कि जापान ने चाइना पे हमला कर दिया। हालांकि जापान ने 1931 में भी हमला किया था और मंचूरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन 1937 में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा हमला किया मेन जापान पे, यानी कि जो बीजिंग, शंघाई, ये जो इंपॉर्टेंट शहर हैं इन सब पे, और सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर शुरू होता है। फर्स्ट सीनो जापानीज़ वॉर कब था? 1894 में। तो अब ये लड़ाई शुरू होते ही दोनों ने, सीपीसी और केएमटी, इन दोनों ने बोला कि अब हमें एक होना पड़ेगा और हमें आपस में लड़ाई छोड़कर ये जो शत्रु है जो हमारे देश में घुस आया है उससे हमें लड़ाई करनी होगी। तो इसीलिए इन दोनों ने आपस में लड़ाई छोड़ दी और 1937 में एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया। तो देखिए, ये है मंचूरिया या फिर मांचूको। तो मांचूको 1931 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये बहुत ही फर्टाइल इलाका है, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं चाइना के, इसीलिए जापान चाहता था इस पर कब्जा करना। तो इन्होंने मांचूको पे हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया और जो नेशनलिस्ट सरकार है चाइना की वो कुछ नहीं कर पाई। और क्यों? क्योंकि वो मेनली कम्युनिस्टों से लड़ने में बिजी थे। और 1937 आते आते जापान ने इस पूरे इलाके पे अपना कब्जा कर लिया। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं, बीजिंग, नानकिंग, शंघाई, ठीक है, ये जितने भी समुद्र किनारे के जितने इंपॉर्टेंट शहर हैं, कैंटोन, ग्वांगजू, इन सभी पे जापान का कब्जा हो चुका था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। तो यही सेकेंड सीनो जापानीज वॉर वर्ल्ड वॉर टू में तब्दील हो गया एशिया में। तो जापान के हमले के बाद से जो नेशनलिस्ट सरकार थी वो एक तरफ जापान से भी लड़ रही थी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी से भी लड़ रही थी। तो ऐसे में ये सरकार बहुत ही कमज़ोर हो गई, इसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, इसके पास पैसा ख़त्म हो गया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब ये नेशनलिस्ट सरकार दिवालिया घोषित होने वाली थी, लेकिन जितने भी पश्चिमी देश हैं वो जियांग काईशेक के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो नेशनलिस्ट पार्टी के सपोर्टर थे और उन्हें पैसा सप्लाई करते थे, हथियार सप्लाई करते थे, खास करके अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश कम्युनिज्म के खिलाफ थे और इसीलिए उन्होंने नेशनलिस्ट सरकार को अपना समर्थन दिया। तो जब 1937 में जापान की आर्मी आगे बढ़ी तब उसने नेशनलिस्ट सरकार का जो कैपिटल था उस वक्त नानकिंग, तो अब ग्वांगजू से कैपिटल नानकिंग बन चुका था, तो नानकिंग पे उन्होंने अपना कब्जा किया। फिर वहाँ से सरकार वुहान चली गई थी, तो वुहान पे भी उन्होंने कुछ महीने बाद कब्जा कर लिया। ऐसे में नेशनलिस्ट सरकार एक के बाद एक आगे बढ़ती गई और यहाँ पे आप इस मैप में देखिए, ये है नानकिंग, ये है शंघाई। तो पहले नानकिंग से सरकार यहाँ गई वुहान, ठीक है, ये है वुहान, और फिर यहाँ से इसी यांगसे नदी के किनारे एक और शहर है चुंकिंग, तो यहाँ चुंकिंग में जाकर फाइनली उन्होंने अपनी सरकार स्थापित करी। किसने? नेशनलिस्ट ने। और दूसरी ओर वो कम्युनिस्ट कहाँ बैठे हैं? वो लोग तो उत्तर में बैठे हैं, यनान में, ठीक है, वो यहाँ पे बैठे हैं, यनान में बैठे हैं उत्तर में। लेकिन अब जो नेशनलिस्ट सरकार है वो भी रिट्रीट कर रही थी। इनफैक्ट नानकिंग में जब जापान ने हमला किया तो इसे कई बार नानकिंग मैसेकर या फिर रेप ऑफ नानकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के भयानक युद्ध अपराध किए गए जापान की आर्मी द्वारा। कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों के साथ इन्होंने बहुत ही टॉर्चर किया, कई महिलाओं को बलात्कार किया गया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा वॉर क्राइम था नानकिंग में, और इसके कारण आज भी 70 सालों बाद भी जापान और चाइना के रिश्तों में एक खटास रहती है जब भी नानकिंग की बात आती है। हालांकि जापान ने इसके लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन पूरी तरह से इन्होंने अभी भी नानकिंग मैसेकर को एक्नॉलेज नहीं किया है और इसीलिए चाइना थोड़ा सा इनसे नाराज़ रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार अब चुंकिंग जा चुकी थी, वहाँ पे थी। दूसरी एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिस्ट सरकार ने, इनकी आर्मी ने जब ये लोग पीछे हटे तब स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स यूज़ करी। स्कॉर्च्ड अर्थ का मतलब क्या होता है? स्कॉर्च्ड का मतलब होता है जला देना। तो स्कॉर्च्ड अर्थ का मतलब है कि जैसे अगर आप अपना एरिया छोड़ रहे हैं तो आप उस इलाके के सारे खेतों को जला दें, शहरों को आग लगा दें, जितने भी पानी के सोर्सेस हैं, कुएँ,
डैम्स, डैम का पानी, इन सब में जहर डाल दें ताकि जो आने वाली आर्मी है वो ना पानी पी सकेगी ना वहाँ पे कुछ अपने खाने का बंदोबस्त कर पाएगी। तो इसे कहते हैं स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स। तो इसके कारण भी केएमटी सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा आ गया, क्योंकि देखिए अगर जो रूरल लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जब उनके कुओं में जहर डाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो पानी नहीं पी सकते, वो भी तो मरेंगे। तो ऐसा ही हुआ, इनफैक्ट एक शहर में उन्होंने आग लगा दी तो 20,000 लोग वहाँ पे ज़िंदा जल गए, और ये उनके खुद के अपने सिटीजन्स थे। तो इसके कारण नेशनलिस्ट सरकार लोगों में थोड़ी सी अनपॉपुलर हो गई, अप्रिय हो गई। जापान के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें क्या हुआ कि देखिए, अब चाइना में दो गुट थे, पहला कौन सा, कम्युनिस्ट, तो वो भी जापान से लड़ रहे थे और नेशनलिस्ट भी जापान से लड़ रहे थे। लेकिन जापान अपनी मेन आर्मी हमेशा नेशनलिस्ट के खिलाफ लेके जाता था, क्यों, क्योंकि ऑफिशियल सरकार किसकी है, नेशनलिस्ट की, ज़्यादा बड़ी आर्मी किसकी है, नेशनलिस्ट्स की। तो जापान का भी पूरा जोर ये था कि इन्हें हराओ। तो इसका फ़ायदा कम्युनिस्ट को हुआ, कैसे, पहली चीज़ तो इस कम्युनिस्ट पार्टी ने पहाड़ों का पूरा उपयोग किया, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करी, माओ ने काफ़ी सारी अपनी आइडियोलॉजी को लिखा किताबों में, और वहाँ पे कई सारे जो किसान थे उनमें प्रोपेगेट करी गई अपनी आइडियोलॉजी, उन्हें कहा कि आप हमें जिता दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए तो हम लैंड रिफॉर्म्स ले आएंगे और आपको अधिकार देंगे, आपको ज़मीनें देंगे। आप जो लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्हें कहा गया कि ये जो बड़े बड़े फार्मर हैं जिनकी बहुत सारी ज़मीन है, इनसे लेकर ज़मीन आपको दे दी जाएगी, इस तरह के हम रिफॉर्म्स करेंगे, सोशलिज्म लाएंगे, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फ्री होगी। तो इन सब बातों से लोग माओ की तरफ आ गए, और गुरिल्ला टैक्टिक्स के कारण ये भी होता था कि लोग उनसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि देखिए गुरिल्ला टैक्टिक्स में सिविलियंस भी बहुत कम मारे जाते हैं। जहां एक और नेशनलिस्ट आर्मी क्या कर रही थी, अपने ही गांवों को, अपने ही लोगों को जला रही थी, तो दूसरी तरफ ये गुरिल्ला टैक्टिक, यानी ये जापान के फौज के बंकर में जाते थे और वहां पे सो रहे सैनिकों को मार के आ जाते थे। तो इस तरह के कारण जो लोग हैं चाइना के, वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में जाने लगे, और माओ ने बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट वहाँ पे गैदर कर लिया था, खास करके मंचूरिया में और नॉर्थ में। तो नॉर्थ में तो वो बैठे ही थे, और उसके आसपास जो मंचूरिया है वहाँ पे भी। तो इस तरह के प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंडलेस पुअर फार्मर्स को प्रॉमिस, तो धीरे धीरे कम्युनिस्ट सरकार अब बढ़ती जा रही थी, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही थी। ये उस ज़माने का एक प्रोपेगेंडा पोस्टर है जिसमें दिखा रहे हैं कैसे माओ देखिए बैठ के सबको, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको सिखा रहे हैं और उन्हें अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी समझा रहे हैं। तो अब वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ, तब उसके बाद फेज़ टू शुरू होता है। ये यहाँ पे 46 होना चाहिए, 44 नहीं। तो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है 1945 में, जापान हार गया, और जापान की जो आर्मी है, जो चाइना पे, जिसने चाइना पे कब्ज़ा कर रखा था काफ़ी बड़े इलाके पे, अब वो वहीं की वहीं है। अब देखिए देखिए जो रेड कलर, पिंक कलर का जो इलाका है, ये पूरा जापान का कब्ज़े किया हुआ इलाका है, और ये जो शेडेड पोर्शंस हैं ये हैं कम्युनिस्ट एरिया, यानी कि जहाँ पे कम्युनिस्टों का कब्ज़ा है। तो मैंने आपको बताया ही था कि गुरिल्ला टैक्टिक से उन्होंने नॉर्थ में अपना थोड़ा थोड़ा कब्जा करना शुरू कर दिया था, और ये जो नेशनलिस्ट सरकार है वो कहाँ थी, वो यहाँ चुंकिंग और ये दक्षिण वाले इलाकों में बैठी थी। तो अब यहाँ पे उत्तर में है कम्युनिस्ट और जापान जो कि हार चुका है, उसके सैनिक। तो ऐसे में सबसे पहले तो देखिए अमेरिका ने क्या कोशिश करी कि ये कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच का सिविल वॉर आगे ना बढ़े। इन्होंने कोशिश करी कि वार्ता से बात सुलझ जाए, लेकिन माओ और जियांग काई शेक की जो मीटिंग है ये फेल हो गई और फिर से लड़ाई छिड़ गई। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके कारण कम्युनिस्ट जीतने में सफल रहे, वो था कि जो उत्तर से, यहां से देखिए सोवियत यूनियन की आर्मीज़ आई थी मंचूरिया, यहां पे उन्होंने मंचूरिया पे हमला कर दिया था 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म ही होने वाला था। और यहाँ पे जापान की जो पूरी आर्मी है, उनके जो हथियार हैं, वो पूरे किसके कब्ज़े में थे, यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन्हें नहीं दिए, ये जो नेशनलिस्ट हैं, जियांग काई शेक ने बोला था आप हमारा इंतज़ार करना, हम यहाँ से अपनी आर्मी भेजेंगे, तब आप वो जापान के जो सोल्जर्स हैं उन्हें भी हमें सौंप देना और उनके जो हथियार हैं वो भी हमें। सोवियत यूनियन ने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने ये किसे दिया, ये सब कम्युनिस्ट सरकार को दे दिया। तो जितने भी आर्मामेंट्स थे और कई सारे इनफैक्ट जापानी सोल्जर्स भी हैं, वो सभी उन्होंने कम्युनिस्टों को सौंप दिए, और इसके कारण अचानक से कम्युनिस्ट की आर्मी है, रेड आर्मी, वो बहुत ही मजबूत हो गई। और इस मजबूत रेड आर्मी ने लगातार एक के बाद एक लड़ाइयाँ जीती, और 3 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने पूरे चाइना पर अपना कब्ज़ा कर लिया। और नेशनलिस्ट को कहाँ पर जाना पड़ा, फॉर्मोसा, जिसे आज हम ताइवान कहते हैं, तो उन्हें ताइवान में जाके बचना पड़ा, बाकी पूरे चाइना से नेशनलिस्ट को हरा दिया गया। तो आज भी ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि जो 1911 का रेवोल्यूशन था, 1921 में जो डॉक्टर सन यात सेन ने सरकार स्थापित करी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना की, हम उसके असली हकदार हैं, हम उसके असली सक्सेसर्स हैं,
हमारा हक है कि हम उस चाइना पे कब्ज़ा करें और हम उस पे राज करें, लेकिन राज तो अब सिर्फ उनका ताइवान पे है। और दूसरी ओर इस लड़ाई में जीतने के बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ ज़ेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी, इसे कहते हैं PRC। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माओ हैं, ये घोषणा कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को। तो अब ये जो लाल रंग में आपको चाइना दिख रहा है, ये पूरा माओ ज़ेडोंग के अंडर में जो गवर्नमेंट थी उसके पास था। और ये है ताइवान, ताइवान का हिस्सा किसके पास था, अब कुओमिंतांग पार्टी और उसके लीडर जियांग काई शेक के पास। तो ये थोड़ा सा देखिए अलग अलग हो सकता है लिखने का तरीका, कई जगह इनका नाम JIANG भी लिखा होगा और कई जगह CHIANG भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो जियांग काई शेक जो हैं वो अगले कई सालों तक इसके रूलर रहे। और किस्मत देखिए, माओ की मौत होती है 1976 में और उसी के आसपास 1975 में जियांग काई शेक की मौत होती है। तो दोनों ने अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा, अपना तानाशाही रवैया बनाए रखा। तो ये जियांग काई शेक भी कोई डेमोक्रेसी लेकर नहीं आए ताइवान पे, अपने एकदम तानाशाही रवैये से उन्होंने राज किया अगले 25 सालों तक। और सेम माओ माओ ने भी चाइना में ऐसा ही किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। पहला कारण है जियांग काई शेक का सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कोई भी सरकार मजबूत होने के लिए केंद्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। जैसे भारत में आप देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भारत। केंद्र बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिसके कारण राज्यों के पास काफ़ी अधिकार हैं। स्टेट लिस्ट काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्टेट का पावर है। लेकिन जियांग काई शेक ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज कर दिया था, सारी ताकत अपने हाथ में रखने की कोशिश करी। दूसरी चीज़, जापान के साथ जो लड़ाई थी वो नेशनलिस्ट को बहुत भारी पड़ी, और नेशनलिस्ट सरकार बहुत ही भ्रष्ट थी, बहुत करप्ट थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था, ऐसे मौके पे भी वो लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए। एक उदाहरण देता हूँ आपको, अमेरिका ने कहा कि हम आपको $100 मिलियन देंगे, आप चाइना में हवाई पट्टी बनाएं जहाँ से हम अपने प्लेन लैंड करेंगे और फिर वहाँ से वो फिर से उड़ान भर के जापान पे हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई एयरबेस नहीं था जापान पे हमला करने के लिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। चियांग काई शेक के जो खास अपने उनके जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप पैसा बढ़ाइए, जब उतना पैसा होगा कि आधा तो हम खा सकेंगे करप्शन में, तब उस बाकी के आधे के हम एयर स्ट्रिप बनाएंगे। तो वो जो अमेरिकन एम्बेसडर था वो बहुत नाराज़ हो गया इस बात पे, और फाइनली ये एयर स्ट्रिप्स कैंसिल ही कर दी उन्होंने। इतनी ज़्यादा करप्शन, यानी कि एक तरफ जापान बमबारी करे जा रहा है आप पे, आपकी हालत ख़राब है, आपकी सरकार 6 महीने चलेगी या नहीं आपको ये भी नहीं पता, और ऐसे में भी वो करप्शन के बारे में सोच रहे थे। टैक्सेस बहुत हाई थे, और इतनी सारी लड़ाइयों के कारण, ये नॉर्दर्न एक्सपेडिशन के कारण जनता पे बहुत प्रेशर था, बार बार टैक्स बढ़ा दिए जाते थे। तो इन सभी के कारण नेशनलिस्ट सरकार थोड़ी सी अनपॉपुलर हो गई थी। स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके कारण भी आम जन में उनके खिलाफ एक भावना पैदा हुई कि नहीं, ये तो हमारे अपने खिलाफ ही इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो नेशनलिस्ट सरकार अच्छी नहीं है। फाइनली यूनिटी ऑफ कमांड इन कम्युनिस्ट पार्टी, उनके जो टॉप लीडरशिप थी माओ ज़ेडोंग और जू एनलाई, डेंग ज़ियाओपिंग, ये सब आपस में बहुत ही संगठित रूप से शासन करते थे, इनमें आपस में संवाद। हालांकि बाद में माओ सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर बन गए थे, लेकिन वो दूसरों से भी बातचीत करके सहमति से, और इसी कारण से उनकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग थी। प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांग था, कम्युनिस्टों ने लीफलेट छपवाए, पोस्टर छपवाए, और इससे जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने उनको वही बोला जो वो सुनना चाहते थे। हर कल्चरल ग्रुप को उन्होंने वो चीज़ बोली जो वो सुनना चाहते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने कोई प्रोमिसेस नहीं रखे, लैंड रिफॉर्म्स भी पूरी तरह से नहीं हुए, कुछ हद तक हुए लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स को उन्होंने कहा कि आपको आज़ादी दे देंगे, किसी ने कहा कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, तो आप उनको कहा कि ठीक है हमें जिता दो, आपको ऑटोनॉमी दे देंगे, इस तरह की बातें उन्होंने पहले कही। माओ की लीडरशिप बहुत अच्छी थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और फाइनली प्रॉमिस ऑफ लैंड, जो ज़मीन का वादा किया था किसानों को, उसके कारण माओ की छवि बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत पॉपुलर हो गए थे किसानों के बीच में। और माओइस्ट आइडियोलॉजी में किसानों की बहुत इंपॉर्टेंस है। माओ ने बाद में ये कहा था कि ये जो सरकार है ये हमारी किसकी है, ये फार्मर्स की डिक्टेटरशिप है, यानी कि जो फार्मर्स हैं देश के, किसान हैं, ये उनकी तानाशाही है, हम ऐसी सरकार बना रहे हैं, इट विल बी द रूल ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। सोवियत यूनियन में क्या था, रूल ऑफ वर्कर्स, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वहाँ का इस पे बेस था, रूल ऑफ वर्कर, रूल ऑफ प्रोलेटेरियट। और यहाँ पे चाइना में उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया कि किसानों की सरकार है, रूरल एरिया में ज़्यादा, रूरल एरिया का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है।
फाइनली आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि चाइना यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।